हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर सिक्सटीथ ऑफ मार्च 2023 16 मार्च 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस लेकर के हम आ गए हैं स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट वही रहेगी 500 लाइक्स का टारगेट रहेगा और आप लोग डेफिनेटली मेरी मदद करेंगे उसको पूरा करने में आई नो और आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं जैसे कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो थोड़े तारीफ के दो शब्द कह दिए है ना तो वो बहुत अच्छा लगेगा सो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड स्टार्ट सवालों के साथ सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है आ... फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द वॉटर हेरिटेज साइट वाटर हेरिटेज साइट्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है अब दो स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन में दिख रहे होंगे है ना कि भैया वॉटर हेरिटेज साइट डिक्लेयर होते हैं एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट नाइनटीन फिफ्टी एट के अंतर्गत और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एट प्रेजेंट दर इज ऑनली वन सेंट्रल फंड एलोकेटेड फॉर द मेंस ऑफ दीज साइट्स तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है नाउ लेटमी इन करेक्ट है पहली चीज ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कि वाटर हेरिटेज साइट्स बनाए जाएँ अंडर द ए एम एस आर एक्ट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी एट दूसरा देर इज नो सेंट्रल फंड विच इज देयर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दीज साइट ठीक है ना तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है याद रखिएगा दूसरा सवाल है दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन देकल देकल वाज रिसेंटली अडॉप्टेड इज रिलेटेड टू दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन इनफैक्ट दो तीन दिन पहले की ही न्यूज है ये तो आपको बताने किससे रिलेटेड है ये ऑप्शंस आर वॉर इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट बी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज सी साउथ साउथ कोऑपरेशन या डी माइनॉरिटी राइट्स तो लेटमी डेलीज रिलेटेड टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज दोहा याद रखेगा दोहा पोलिटिकल डिकलेन इज रिलेटेड टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आज मैं न्यूज में बताऊंगा आपको अगला सवाल है विद रेफरेंस टू द ड्रैगन फ्रूट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पहला लिख रहा है इट इज अ ट्रॉपिकल फ्रूट नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया दूसरा लिख रहा kind of है इट ग्रोज इन ऑल काइंड ऑफ सॉइल एंड डज नॉट रिक्वायर मच वाटर। तीसरा कह रहा है मलेशिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द ड्रैगन फ्रूट एंड चौथा लिख रहा है इट कैन एंड्योर टेम्परेचर अप टू फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड्स एंड शॉर्ट पीरियड्स ऑफ फ्रॉस्ट तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट इनमें से, से सही हैं तो ड्रैगन फ्रूट यानी कि कमलम कमलम हमने काफ़ी ज़्यादा बात की थी पिटाया भी बोलते हैं इसको देखो तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है क्योंकि नेटिव है मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका वाले रीजन का है ना इट इज नेटिव टू दैट पार्ट तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया लिख रहा है ऑल काइंड ऑफ सॉइल में ग्रो कर सकता है एंड नॉट रिक्वायर मच वाटर ये सही स्टेटमेंट है इट ऑलमोस्ट ग्रोज इन ऑल टाइप ऑफ साइड सॉइल्स एंड डज नॉट रिक्वायर मच वाटर तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया मलेशिया नहीं वियतनाम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ड्रैगन फ्रूट वियतनाम वाला रीजन सो so, तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है एंड चौथा कह रहा है इट कैन इंड ड्यूअर टेम्परेचर एंड फ्रॉस्ट अपू फोर्टी डिग्री सेंटिकेट यस दैट इज द राइट स्टेटमेंट तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज थ्री क्वेश्चन कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा आगे मूव करते न्यूज़ एनालिसिस में पी आई बी की न्यूज आइटम्स हम पहले देखेंगे पी आई बी बहुत अच्छी न्यूज़ आइटम्स आती हैं उसमें इसलिए मैं उसको इंक्लूड करता आया हूँ हमेशा अपने न्यूज़ पेपर एनालिसिस में मैंने पी आई बी इंक्लूज इंक्लूड की है तो सबसे पहली जो न्यूज है वो है फिफ्थ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज याद रखिएगा पांचवी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई ऑन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड दैट कंक्लूडेड विद दैट ऑप्शन ऑफ दोहा पोलिटिकल डिक्लेरेशन बाय द वर्ल्ड लीडर्स ठीक है ना वो कंक्लूड हुई किसके साथ दोहा पोलिटिकल डिक्लेरेशन बाय वर्ल्ड लीडर्स अब ये क्या है दोहा पोलिटिकल डिक्लेरेशन दिस डिक्लेरेशन फोकसिस ऑन इंप्लीमेंटिंग द ऑफ एक्शन एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनाया गया है और ऑफ एक्शन किसके लिए बनाया गया है फॉर द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ठीक है ना इट इज फॉर द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड ये 2022 से दो के जो पीरियड है उसके बीच में लागू होगा टू 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 का जो पीरियड है यह दस साल का जो पीरियड है दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन ठीक है ना तो ये दस साल का जो प्लान है इट इज टू पुट द वर्ल्ड फोर्टी मोस्ट वलरेबल

अब इसमें छः की फोकस एरियाज़ हैं इन द दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन छः की फोकस एरियाज कौन कौन से हैं पहला है इराडिकेटिंग पॉवर्टी मतलब है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं तो पॉवर्टी को इराडिकेट करना होगा लेवरेजिंग द पोटेंशियल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू फाइट अगेंस्ट मल्टी डायमेंशनल विलिटीज़ तीसरा है एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज चौथा है इन्वामेंटल डिग्रेडेशन पांचवा है रिकवरिंग फ्रॉम कोविड एंड छठा है बिल्डिंग रेजिलियंस अगेंस्ट फ्यूचर शॉक फॉर रिस्क इन्फॉर्म्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो समझ में आयागा आपको कि दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन एंड दोहा डिक्लेरेशन पोलिटिकल डिक्लेरेशन क्या है आई होप यू गॉट क्लैरिटी आई होप आपको समझ में आ गया होगा ठीक है ना अगली जो न्यूज है वो एक जस्ट फैक्चुअल न्यूज़ है तीन ऐप्स के बारे में है तो मैं आपको बता दूं कि आईएमडी यानी कि इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने तीन मेजर एप्स बनाए हैं एक है मौसम ऐप जो कि वेदर फोरकास्टिंग का ऐप है लिख लेना आप लोग इसको मौसम ऐप जो है वो वेदर फोरकास्टिंग का ऐप है मेघदूत ऐप जो है वो एग्रोमेट यानी कि जो एग्रोमीटर मीटरोलॉजी है एडवाइजरी डिसमिनेशन मतलब एडवाइजरी रिलीज करने के लिए है एग्रोमेट रिलेटेड एडवाइजरी है ना एग्रीकल्चर मीट्रोलॉजी रिलेटेड एडवाइजरी मेघदूत याद रखेगा मौसम इज फॉर वेदर फोरकास्टिंग मेघदूत इज फॉर एग्रोमेट एडवाइजरी डिसमिनेशन एंड दामिनी इज फॉर लाइटनिंग एलर्ट ये तीन ऐप्स याद रखेगा मौसम मेघदूत एंड दामिनी ऐप ठीक है ना तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी अगली न्यूज है न्यूज तो पुरानी है लेकिन फिर से आई थी कल पीआईबी पे में तो मैं रिवाइज करा दूँ आपको कि ज्यूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आप लोगों को पता होगा ज्यूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एन एन एक्ट्स अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस उसने मतलब मिनरल एक्सप्लोरेशन किया इन द जम्मू कश्मीर रीजन और जम्मू कश्मीर का कौन सा रीजन तो लिखिए याद रखिएगा सलल हेमना रीजन याद रखिएगा द रीजन इज द सलल हेमना रीजन ये लिख लीजिए एस एल ए एल सलल हेमना याद रखिएगा अगर आपसे यूपीएससी पूछता है कहाँ पर है ये जम्मू कश्मीर का रीजन है यहाँ पर अभी आप सबको पता होगा कि लिथियम के ओर मिले हैं लिथियम ओर्स मिले थे है ना इट इज़ इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यहाँ पे लिथियम ओर्स मिले थे तो दैट इज द थिंग जो आजकल सर्वे ऑफ इंडिया का आप सबको पता होगा साइंटिफिक एजेंसी है इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट उंड सच ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड एंड सेकेंड ओल्डेस्टे सर्वे सर्वे इन इंडिया आफ्टर सर्वे ऑफ इंडिया ठीक है ना याद रखेगा सर्वे ऑफ इंडिया के बाद इंडिया की सेकेंड ओल्डेस्ट एजेंसी है सर्वे एजेंसी है इंडिया की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स का कोलकाता में है छह रीजनल ऑफिसेज हैं लखनऊ जयपुर नागपुर हैदराबाद शिलोंग एंड कोलकाता में एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट्स एज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंड तो यह इसको याद रखेगा अगली जो न्यूज़ है वो है नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स एन सी डी एन टी याद रखिएगा नेशनल कमीशन है एक डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स की इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन फेबर 2014 तो याद रखिएगा ये भी कल पी की ही न्यूज़ में था एन सी डी एन टी क्या होता है नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब जैसे कि आपकी बंजारा ट्राइब हो गई है ना बागड़ी बागड़ी ट्राइब हो गई तो बागड़ी और बंजारा ट्राइब ये सब आपकी नोमैडिक ट्राइब्स हैं तो डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स का भी एक नेशनल कमीशन है जिसको 2014 में बनाया गया था एंड दिस वाज डन इन ऑर्डर टू प्रिपेयर स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ कास्ट बिलोंगिंग टू डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स एंड रिपोर्ट के मुताबिक मुताबिक लगभग बारह कम्युनिटीज हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है एज दीज कम्युनिटीज एंड इसमें बागड़ी लोहार बंजारा कम्युनिटीज इंक्लूडेड हैं ठीक है ना अच्छा अब ये डिपार्टमेंट जो है एनसीडीएनटी जो था उसने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है सीड स्कीम सीड याद रखेगा ये न्यूज था सीड स्कीम का ठीक है ना सीड स्कीम इज स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द डी एन टी कम्युनिटीज स्कीम फॉर द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द डी एन टी कम्युनिटीज विच इज़ फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज टू दिस कम्युनिटीज जो ये नोमैडिक सेमी नोमैडिक डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं इनको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट जो आपका uh, दिस दिस नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड एंड सेमी नोमैटिक ट्राइब जो है उसने उसके अंतर्गत ये किया गया है ठीक है ना आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल आप इसको याद रखेगा और इन इनके अंदर का तो जो स्कीम है स्कीम का नाम है सीड स्कीम स्कीम फॉर इकोनॉमिक इंपावरमेंट ऑफ द डी एन टी कम्युनिटीज़ है ना स्कीम फॉर द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ़ डी एन टी कम्युनिटीज़ विच इज़ फॉर द बेसिक फैसिलिटीज़ टू दीज कम्युनिटीज़ ठीक है ना डिपार्टमेंट कौन सा है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड नीति आयोग एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये लोग जो हैं ये डी एन टी कम्युनिटीज़ के बारे में स्टडी भी करते रहते हैं ठीक है आगे अगर हम बात करें अगली न्यूज़ की तो उसमें न्यूज़ बेसिकली रिगार्डिंग योर निपुण भारत तो निपुण भारत का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूँ एक है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशियंसी इन रीडिंग एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी है ना तो निपुन इज बेसिकली नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशियंसी प्रोफिशेंसी मतलब आपको एक्सेल करना है किस चीज़ में रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी एक्चुअली में ये जो चीज़ है ये है थर्ड क्लास तक के बच्चों के लिए कि उनको बेसिक रीडिंग और रीडिंग की समझ होनी चाहिए प्लस वो बेसिक न्यूमरेसी यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ये चार चीज़ें कर सके है ना वन टू थ्री तक के बच्चे जो है वो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड एंडी उनको आती रहे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी है ना ये दोनों चीज़ें आती रहे तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग एज वेल आपको समझ में आ गया होगा तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे बताई गई हैं आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज न्यूज़ आइटम्स ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स थे पी में मैंशनड थे इसलिए बताना ज़रूरी था फिर फ्रंट पेज की खबर देखें तो एक्सपोर्ट्स फॉल 8.8 परसेंट ट्रेड डेफिजिट श्रिंक्स ओवर uh, 7 परसेंट तो आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो घटते जा रहे हैं है ना एक्सपोर्ट्स हैव फॉलन uh, फॉलन परसेंट एंड ट्रेड डेफिजिट श्रिंक्स सेवन परसेंट ठीक है ना तो ये दो चीज़ें इकोनॉमी से रिलेटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए मैं आपको बता दूँ सिर्फ ये आपको इकोनॉमी का एक ओवरऑल आइडिया लगने के लिए कि ठीक है ऐसा चल रहा है ट्रेड हमारा हमारा जो एक्सपोर्ट uh, है वो डिक्रीज हुआ है ठीक है ना तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कैसी चीजें हो रही हैं अब यहाँ पर आते हैं स्टेट्स आइडेंटिफाइड फॉर पीएम टेक्सटाइल स्कीम टू बी नेम्ड सून सून अब पीएम टेक्सटाइल स्कीम के लिए जो स्टेट्स हैं उनको नाम बहुत ही जल्दी आएगा पहले हम थोड़ा सा बात कर लें स्कीम क्या है तो ये स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है बेसिकली इंप्लीमेंट होगा प्राइम मिनिस्टर मित्र प्राइम मिनिस्टर मित्र योजना है याद रखिएगा पीएम मित्रा मित्र क्या है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल याद रखिएगा मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल ये पार्क स्कीम है दिस इज अ टेक्सटाइल पार्क स्कीम ठीक है ना फुल फॉर्म क्या है पीएम मित्रा पीएम मित्रा मतलब कि प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्कीम और इसके अंतर्गत क्या होगा बेसिकली एक सिस्टम बनाया जाएगा फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि एक लोकेशन में प्रेजेंट रहेगा सारा का सारा इको सिस्टम टेक्सटाइल से रिलेटेड पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चरल जो इको है वो किसी एक जगह पर अवेलेबल रहेगा इसीलिए इसको टेक्सटाइल पार्क स्कीम भी कहा जाता है एंड दीज पार्क वुड भी वुड इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द टेक्सटाइल वैल्यू चेन एंड दे विल बूस्ट द फाइव एफ यहाँ पे पाँच एफ की बात की गई है uh, जिसमें है फार्म फाइबर फैक्ट्री फैशन एंड फॉरेन है ना ये सारा विजन है प्राइम मिनिस्टर का जिसमें फाइव एफ याद रखिएगा फार्म फाइबर फैक्ट्री फैशन एंड फॉरेन ये इंप्रूव किया जाएगा बाय प्रोवाइडिंग द बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एट वन प्लेस है ना जो कि एक जगह पे मौजूद रहेगा इन वन लोकेशन कलेक्टिवली पीएम एम मित्रा स्कीम के अंतर्गत मित्र क्या है प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्कीम याद रखेगा टेक्सटाइल्स रिलेटेड है अगली न्यूज़ की तरफ आते हैं देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है तो यहां पे आप सबको पता है कि 230 बिलियन डॉलर फंड्स के साथ सऊदी साथ साउथ कोरिया सॉरी इज़ बिल्डिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चिप सेंटर वर्ल्ड का लार्जेस्ट चिप सेंटर जो है वो कौन बना रहा है साउथ कोरिया बना रहा है 230 बिलियन डॉलर की मदद मतलब से एंड मोस्ट ऑफ द फंड इज कमिंग फ्रॉम द सैमसंग सैमसंग आप सबको पता है साउथ कोरियन ही है और वहीं से वो बना रहे हैं है ना यूरेशियन ऑटर रेजेज होप्स फॉर जम्मू कश्मीर स्ट्रीम अब जम्मू कश्मीर की एक नदी है एक स्ट्रीम है नीरू नाम की याद रखेगा द नेम ऑफ़ द स्ट्रीम इज़ नीरू एन डबली आर यू विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द चेनाब रिवर नीरू याद रखेगा ट्रिब्यूटरी किसकी है चेनाब रिवर की नीरू इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर और यहाँ पर यूरेशियन ऑटर देखने को मिले कैमरा लगाए गए थे इंफ्रा रेड कैमराज थे उसमें यूरेशियन ऑटर तीन यूरेशियन ऑटर देखने को मिले अब ये क्यों अच्छा है ये इसलिए अच्छा है क्योंकि यूरेशियन ऑटर जो है वो एक मतलब हाई मतलब वो हाई क्वालिटी एक्टिक इन्वामेंट में ही रहती है मतलब एक इंडिकेटर स्पीशीज़ के रूप में काम करती है जो कि अगर वो है किसी जगह पे तो वो बताता है कि वो एरिया या वो आ, जो वाटर बॉडी है वो अनपोलुटेड है या अभी तक आ, कम पॉल्यूट नहीं है तो ये इसलिए होप रेज कर रहा है न्यू रिवर के लिए क्योंकि वैसे बहुत सारे रीजनस आपको पता है नदियाँ जो हैं वो पोल्यूटेड भी हो चुकी हैं बट

याद रखिएगा इसका जो नाम है लोकल नेम है वहां पे हडर या हुडर हड बोलते हैं हडर या हड याद या रखिएगा एंड पहले तो ये पूरे नीरू में पाए जाते थे डायरेक्ट साइटिंग लेकिन अब नहीं हो पा रही थी इसलिए साइंटिस्ट ने इसमें कैमरा और ये सब किया और इसको देखने की कोशिश की है ना याद रखिएगा नीरू रिवर एक तीस किलोमीटर लंबी पेरिनियल रिवर है दैट ओरिजिनेट्स इन द कैलाश लेक एट थर्टी नाइन हंड्रेड मीटर्स अबव द मीन सी लेवल एंड ड्रेन्स इन टू चेनाव एट पुल डोडा तो पुल डोडा नाम की जगह में चेनाव में जाकर ड्रेन हो जाती है चेनाब की ट्रिब्यूटरी के रूप में आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है तो यहां पे टू ईयर्स टू शिफ्ट टू न्यू मिनिमम एज ऑफ मैरिज अब यहाँ पर एक चीज तो तय हो गई कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज वो वुमेन के लिए भी इक्कीस साल की जाने वाली है इट विल बी रेज टू ट्वेंटी रेज टू ट्वेंटी वन ईयर टू ईयर्स आफ्टर द प्रोहिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इज नोटिफाइड है ना मतलब कि उनका यह कहना है कि जैसे ही ये बिल पास हो जाएगा पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में ने पास होने के बाद दो साल दिए जाएंगे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड अब अभी तक आपको पता है कि जो लड़कियों की मैरिज की एज है वो अट्ठारह साल है और लड़कों की जो मैरिज की एज है वो इक्कीस uh, साल है ठीक है ना तो यहाँ पे उसको भी बढ़ा करके लड़कियों की जो मैरिज एज है उसको भी बढ़ा करके 18 से 21 करने की बात की जा रही है एंड आफ्टर वंस द बिल इज पासड इस रिफॉर्म को दो साल लगेंगे अप्लाई uh, होने में ठीक है ना तो दैट इ थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एंड इसके बाद जो अमेंडमेंट्स हैं वह सारी चीज़ों में होंगे जैसे एज ऑफ मेरेज इंडियन क्रिश्चन मेरेज एक्ट एटीन सेवेंटी टू पारसी मैरेज एंड डाइवोर्स एक्ट नाइनटीन थर्टी सिक्स मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीत अप्प्लीकेशन एक्ट नाइनटीन थर्टी सेवन स्पेशल मैरिज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फोर हिंदू मैरिज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव फॉरन मैरिज एक्ट नाइनटीन सिक्सटी नाइन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बताया कि ये सारे अमेंडमेंट्स जो हैं इन सब एक्ट्स में किए जाएंगे आई होप यू गॉट क्लैरिटी आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है तो यहाँ पर है करंट प्रोसीजर फॉर इंक्लूजन ऑन एसटी लिस्ट एडिक्वेट गवर्नमेंट का बोलना है कि जो करंट प्रोसीजर है एसटी को कम्युनिटी को लिस्ट में ऐड करने का वो एडिक्वेट प्रोसीजर है प्रोसीजर क्या है मैं आपको बता दूं ये जो मॉडलिटीज़ हैं इंक्लूजन के लिए ये में फॉर्म हुई थी एंड uh, पहले जो प्रपोजल होता है फॉर इंक्लूजन इट मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ठीक है ना तो जो प्रपोजल है वो ओरिजिनेट कहाँ से होना चाहिए या तो उस स्टेट से या उस यूटी से जहाँ से जहाँ भी उसको ऐड करना है

ऑनली आफ्टर द कॉन्क्रेंस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन यानी कि जो ओ आर जी आई हो गया नेशनल कमीशन ऑफ फॉर शेड्यूल ट्राइब्स हो गया ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो गई इनके सबके कॉन्करेंस के बाद प्रपोजल जाता है टूवर्ड्स द कैबिनेट ठीक है ना विल गो फॉरवर्ड टू द कैबिनेट एंड कैबिनेट जो है फिर उसको uh, मतलब अप्लाई uh, करेगी या नहीं करेगी एक्सेप्ट कर दी है ठीक है ना इसके बाद द अमेंडमेंट इज मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइस ऑर्डर 1950 ठीक है ना अब ऑथर ने बताया कि दूसरी चीज़ है एक ये तो पूरा प्रोसेस हो गया फिर इसमें कौन कौन से क्राइटेरिया देखे जाते हैं जो द क्राइटेरिया विच इज़ इस कंसीडर्ड इसमें ये क्राइटेरिया बना था 1965 में लोकुर कमेटी के द्वारा 1965 में लोकुर कमेटी के द्वारा वो क्राइटेरिया बनाया गया था और क्राइटेरिया क्या है उस ट्राइब का प्रिमेटिव ट्रेट कितनी प्रिमेटिव ट्राइब है दूसरा उसका कल्चर कितना डिस्टिंगटिव है तीसरा जोग्राफिकल आइसोलेशन कितना है चौथा वॉट इज द लेवल ऑफ शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज एंड बैकवर्डनेस कितनी है यही चीज़ें आज भी देखी जा रही हैं एज पर द जस्टिस लोकुर कमेटी मैंने सजेशन के हिसाब से ठीक है ना तो अब कई लोगों ने हालांकि कहा कि है कि ये आउटडेटेड है कॉन्सेंडिंग है ना डॉगोमेटिक है ये सारी चीज़ें कही गई हैं लेकिन अब देखा जाता है कि क्या होगा इसमें आगे हम बात करें रेलवे का एक प्रोजेक्ट है जिसमें वो सिक्योरिटी सर्वेलेंस करना चाहते हैं दिस इज रेलवे प्रोजेक्ट एंड इसके लिए जो फंड आया है वो फंड निर्भया फंड से लाया गया है विच इज कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तो निर्भया फंड याद रखिएगा कंट्रोल कौन करता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कंट्रोल करता है और उसके फंड से रेलवे जो है वो इंप्लीमेंट करेगा वीडियो सर्विलेंस सिस्टम एट हंड्रेड्स ऑफ द रेलवे स्टेशन इन फेस्ड मैनर ठीक है ना तो रेलवे जो करेगा क्या करेगा वीडियो सर्विलेंस सिस्टम अप्लाई करेगा पूरे आ, सारे स्टेशन में लेकिन दिक्कत यह कि जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो नहीं मिल रहा है इन कैमरा के जो प्रोवाइडर्स हैं सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो वो सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं करवाना चाहते क्यों क्योंकि रेलवे का ये कहना है कि जो सिक्योरिटी क्लियरेंस होगा वो हम साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से करवाएंगे और ये एस यानी कि जो स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन है है ना डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एस टी क्यू सी स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन डायरेक्टरेट है या फिर सर्ट इन यानी कि जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया है उनके माध्यम से कराना चाहता है बट वो कोई भी प्रोवाइडर उसमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ठीक है ना क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो पास नहीं हो पाएंगे उस टेस्ट में ऑल दिस थिंग्स आर देर आई होप यू गॉट क्लैरिटी अगला टॉपिक है रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पॉलिटिक्स अब यहाँ पे बात चल रही है वुमेन रिजर्वेशन की तो आप सबको तो पता है कि ये कोई नया टॉपिक नहीं बहुत पुराना टॉपिक है।, है ना एंड हाँ, हालांकि स्टार्टिंग में ये माना गया था कि वो सबको बिल्कुल जो स्टेटस है वुमेन का वही स्टेटस मैन का रहेगा वही मैन का है वही वुमेन का रहेगा बट ऐसा हुआ नहीं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो सोच रखी गई थी तो धीरे धीरे देखा गया कि वुमेन जो है उनको केयर uh, के वर्क की तरफ यानी कि जो घर में काम है उनकी तरफ डाल दिया गया और मैन जो है वो बाहर के काम और पोलिटिकल लीडरशिप और इन सब में इन्वॉल्व हो गए है ना तो इस कारण से बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखी गई एंड एक फिर कमेटी बनाई गई नाइनटीन में ठीक है ना कमिटी वॉज फॉर्मड इन नाइनटीन सेवनटी वन एंड दिस वॉज द कमिटी ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया एंड इसने कमेंट किया था ऑन द डिक्लाइन पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वमन इन इंडिया फिर उसने बोला कि भैया जो पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वेमेन का वो डिक्लाइन करता जा रहा है ठीक है ना अब यहाँ पर बात चल रही थी देखो वुमेन के रिजर्वेशन की तो कई लोग जो कहते हैं कि वुमेन को लोकल बॉडीज लेवल तक रिजर्वेशन ठीक है और आपने देखा होगा कि लोकल बॉडीज में वुमेन को रिजर्वेशन मिला भी है सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट जो था उसमें थर्टी थ्री परसेंट का मिनिमम क्राइटेरिया है रिजर्वेशन का बट अभी भी जो लोकसभा है एंड जो तो स्टेट असेंबलीज हैं वहां पर ये रिजर्वेशन नहीं मिला है ठीक है ना तो नेशनल परस्पेक्टिव प्लान फॉर वुमेन है नाइनटीन में आया था ये इसने रिकमेंड किया था दैट रिजर्वेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू वुमेन एट द लेवल फ्रॉम द लेवल ऑफ पंचायत टू द पार्लियामेंट लेवल है ना नेशनल परसपेक्टिव प्लान फॉर वेमेन जो था उसने रिकमेंड किया था कि भैया पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट लेवल तक हर लेवल पर आपको रिजर्वेशन मिलना चाहिए ठीक है ना अब विमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो थर्टी थ्री परसेंट रिजर्वेशन प्रपोज करता है इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिटेटिव असेंबलीज फॉर वेमेन ठीक है ना थर्टी थ्री परसेंट रिजर्वेशन प्रपोज करता है इन द लोकसभा एंड इन द लेजिस्टेटिव असेंबलीज ठीक है ना एंड फर्स्ट इंट्रोड्यूज इन लोकसभा इन द एटी फर्स्ट एज द एट्टी फर्स्ट अमेन्डमेंट बिल पहली बार जब इंट्रोड्यूस किया गया था ना तो एट्टी फर्स्ट अमेंडमेंट बिल के रूप में नाइनटीन नाइन्टी सिक्स में देवेगौड़ा उस समय प्राइम मिनिस्टर थे देवेगौड़ा लेट गवर्नमेंट थी वो उस समय इंट्रोड्यूस किया गया था हालांकि बिल फेल्ड टू गेट द अप्रूवल ऑफ द हाउस and was referred to a joint parliamentary committee which submitted its report in the Lok Sabha नाइन्टी सिक्स इसके बाद बिल लैप्स हो गया फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी फिर उसको रि किया गया इसके बाद आपको मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में भी एक बार इंट्रोड्यूस किया जाएगा ये है ना तो बिल वॉज री इंट्रोड्यूस मैनी टाइम्स नाइनटीन नाइन्टी नाइन टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड थ्री लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा था आज तक ये पास नहीं हुआ है स्टिल पेंडिंग है चौदह में बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने जो पैम्फलेट्स थे उसमें बोला कि रिजर्व उिडी प्रोवाइड करेंगे 19 में सेम उन्होंने कहा प्रोवाइड करेंगे बट स्टिल इट इज अंडन ठीक है ना अब कुछ लोग जो फेवर करते हैं वो क्यों बोलते हैं फेवर क्योंकि उनका कहना है कि भैया जो अगर वेमेन सेलेक्ट होंगी तो वेमेन सेंसिटिव जो इश्यूज़ हैं उनके लिए बेटर पॉलिसी मेकिंग हो पाएगी ज़्यादा सोचा जा सकता है है ना वेमेन अभी भी अंडर रिप्रेजेंटेशन है अंडर रिप्रेजेंटेड है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो भी बताती है कि हम पोलिटिकली अंडर रिप्रेजेंटेड हैं तो वहाँ पर हमारी इंप्रूवमेंट होगी देखने को मिलेगा इसके अलावा जो वेमेन अगर आती हैं तो ज़्यादा बेटर मतलब उनकी एफिशेंसी बढ़ती है करप्शन कम होता है ये सारी जो है वो इशूज यहां पे जो फेवर करते हैं बोलते हैं लेकिन वहीं पर जो लोग क्रिटिक हैं उनका ये कहना है कि देखो केवल हम वुमेन सेंट्रिक नहीं पॉलिसीज़ बना सकते हैं ना हा हर पॉलिसी सब सारी कम्युनिटी सारे जेंडर्स को देख के बनानी पड़ेगी और दूसरी चीज ये कि अगर हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे तो वो मतलब अपने कॉम्पिटेंस से नहीं आ रही है वुमेन वो वुमेन जीत के नहीं है वो वुमेन तो, 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 तो रिजर्वेशन के बेसिस पर सेलेक्ट हो रही है तो यहां से फिर कहीं ना कहीं उनका और जो स्टेटस है वो डाउनग्रेड होगा तो उनका यह कहना है तीसरा उन्होंने कहा कि जो रिजर्वेशन ऑफ इन सीट्स इन पार्लियामेंट वुड रिस्ट्रिक्ट द चॉइस ऑफ वोटर्स टू वुमेन कैंडिडेट ये वुमेन जो वोटर्स हैं उनकी चॉइस को रिस्ट्रिक्ट करेगा है ना एंड चौथा उन्होंने कहा कि वुमेन इंटरेस्ट कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल स्टेट तो वुमेन इंटरेस्ट केवल सेपरेट नहीं कर सकते हम उनको बाकी सोसाइटी के साथ ही देखना पड़ेगा तो दैट इज वॉट हैज़ बिन सेड इन दिस आर्टिकल और लास्ट जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है सस्टेनेबल मॉडल फॉर वुमेन लीडरशिप यहाँ पे बात चल रही है कि किस तरीके से हम वुमेन लीडरशिप को आगे बढ़ा सकते हैं तो वुमेन लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले जो सजेशन दिया है वो ये कहा है कि जो वुमेन का रोल है उसको स्टेम यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बढ़ाना पड़ेगा न केवल इनकी पढ़ाई में ये रोल पढ़ा, रोल पढ़ाई में ये चीज़ आनी चाहिए प्लस जो जॉब्स हैं उनको यहाँ पे जॉब्स भी मिलने चाहिए कई विमेन क्या पढ़ाई तो करती हैं इस टाइम फील्ड्स में लेकिन जॉब उनको नहीं मिलता है अब जॉब नहीं मिलने का कारण क्या है क्योंकि वो अल अदर वर्क्स में जैसे उनका जो केयर इंडस्ट केयर वर्क है फैमिली का है है ना यहाँ पे वो चली जाती हैं मैरिज के कारण कई लोग माइग्रेट कर जाती हैं तो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि न केवल उनकी पढ़ाई में वो स्टेम फील्ड में रहें बल्कि जॉब्स में भी वो स्टेम और आई इन सब में करें तो इसके लिए सजेशन ऑथर ने कहा कि पहला तो एडी टेक सल्यूशन है ना एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप उनको एजुकेट करो है ना कहीं से कहीं तक उनका एजुकेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना चाहिए उनको प्रॉपर एजुकेशन उनका हाई स्कूल उनका हायर सेकेंडरी स्कूल प्लस उनका जो हायर एजुकेशन है वो सब उनको मिलना चाहिए ठीक है ना एंड स्टेम फील्ड्स में उन्होंने ये कहा दूसरा उन्होंने कहा कि जैसे स्पोर्ट्स है स्पोर्ट्स में उनका मतलब इं, इंक्लूड करो एडोल्स एंड गर्ल्स को स्पोर्ट्स में इंक्लूड करो है ना हो सकता है फ्यूचर क्योंकि अलग अलग फील्ड्स आपको ट्राई करनी है ना तो वहां पे आपको इंक्लूड करना पड़ेगा तीसरा उन्होंने कहा कि जो स्टीरो टाइप्स उनको काउंटर करना है लोगों को एजुकेट करो लोगों को अवेयरनेस फैलाओ कि भैया किस तरीके से आप कर सकते हो वमेन को ओलंपियाड्स में इनोवेशन लैब्स में बूट कैम्प में कॉम्पिटिटर्स इन सब में आप उनको एक्सपोजर प्रदान करो है ना ऑन ट्रप्रीनियर एक्सपोजर उनको प्रदान करो ताकि वो ऑन्टरप्रीनियरशिप में इन सब में जा सकें आगे बढ़ सकें है ना और मैंने आपको स्पोर्ट्स बताया कि नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी में भी इनिशिएटिव में भी आपको वुमेन को और गर्ल्स uh, को इंक्लूड करने की बात करनी चाहिए चौथा उन्होंने कहा रीडिस्ट्रीब्यूट द केयर वर्क अब केयर वर्क पूरा का पूरा महिला पर आ जाता है वो गलत है है ना दैट शुड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड उनको बेसिक आप उनको इस तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड करो कि वो जॉब कर सके क्रश फैसिलिटीज प्रोवाइड करो है ना ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड क्रिएट मोर पेड जॉब्स इन द केयर इकॉनमी है ना क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर जो कि यहां पे ऑथर ने बताई है एंड गर्ल्स लीडरशिप को नर्चर करने की जरूरत है कलेक्टिवली और मेक श्योर sure करें कि वेमेन जो है वो आप आगे अपने लिए और देश के लिए कुछ कर सकते तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर इन दिस आर्टिकल आई होप यू गॉट क्लैरिटी दैट इज इट फॉर द डे कीप लविंग एस कीप शेयरिंग एस थैंक यू एंड एंडस डे